सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन X70 सीरीज के बारे में। 9 सितंबर को दोस्तों वीवो X70 सीरीज को चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर रही है, वहीं ये 10 सितंबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। ये इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट हैं। अभी कुछ महीने पहले ही दोस्तों इंडिया में वीवो ने X60 सीरीज को लॉन्च किया था। अब ऐसा लगता है कि X70 सीरीज भी बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते ही वीवो X70 EMI डेटाबेस के ऊपर लिस्ट हो गया था। X70 प्रो एंड प्रो प्लस अभी दो दिन पहले BIS के ऊपर लिस्ट हो चुका है। तो मतलब साफ है कि X70 सीरीज भी बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और मुझे लगता है कि चाइना में लॉन्च होने के 3-4 हफ्ते बाद कन्फर्म ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। 5-6 दिन पहले दोस्तों इस फोन के रेंडर्स वगैरह सामने निकल के आए थे, जिसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी। अब दोस्तों वीवो X70 एंड X70 प्रो के लाइव इमेजेज बाहर आ गए हैं। इसके साथ ही X70 सीरीज के सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आ गए हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में वीवो X70 एंड X70 प्रो के बारे में बात करने वाले हैं। X70 प्रो प्लस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन दोनों फोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, और इसे किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाने वाला है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइज, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन के डिज़ाइन के बारे में, बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों फोन के जो लाइव इमेजेस बाहर आए हैं वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डिज़ाइन और लुक्स वाइज ये दोनों फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। X60 सीरीज से इन दोनों फोन का डिज़ाइन बिल्कुल चेंज है, बट दोनों फोन डिज़ाइन और लुक्स वाइज काफ़ी सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। दोनों फोन में आपको हल्की कलर ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा, अलग अलग शेप में अलग अलग तरह के कलर्स देखने को मिलेंगे। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है इन दोनों फोन को 2 कलर में लॉन्च किया जाएगा। बैक पैनल जो होगा दोनों फोन में ग्लास का देखने को मिलेगा। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप में कैमरा सेटअप होगा, फ्रेम एल्युमिनियम का होगा, और फ्रंट की तरफ ग्लास देखने को मिलेगा। वीवो X70 में फ्लैट स्क्रीन होगी। X70 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ सेंटर में एक छोटा सा पंचोल का कटआउट होगा। बेजल और चिन दोनों फोन में आपको काफी पतले देखने को मिलेंगे। और प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन के साथ आएगा। तो ओवरऑल डिजाइन और लुक्स वाइज ये दोनों फोन आपको काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों इन दोनों फोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 6.5 इंच का डिस्प्ले इन दोनों फोन में देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। सैमसंग का i4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले होगा। 120 हर्ट्ज का इसमें फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा। इसके साथ ही HDR10 प्लस भी सर्टिफाइड होगा। तो डिस्प्ले फोन में आपको काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, बट X60 सीरीज के डिस्प्ले से इसमें आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इन दोनों फोन में इस बार MediaTek का चिपसेट होने वाला है। MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek के फ्लैगशिप चिपसेट में से एक है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी इन दोनों फोन में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। हीटिंग का इशू काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स के लिए इसमें माली G77 GPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह के गेमिंग आपको आसानी से हैंडल करके दे देगा। नो डाउट इन दोनों फोन में आपको परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा मिलेगा। परफॉर्मेंस को लेकर इन दोनों फोन में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, बट इसमें X60 सीरीज जितना पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि X60 सीरीज में आपको Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट देखने को मिला था। कैमरे के बारे में बात करें तो कैमरा सेटअप काफी बढ़िया होने वाला है। वीवो X70 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 40MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी सेंसर जो होंगे वो 40MP के देखने को मिलेंगे, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होंगे, और इसमें OIS का सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडरी सेंसर 12MP के मिलेंगे, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। थर्ड सेंसर भी 12MP के मिलेंगे, जो कि एक टेलीफोटो लेंस होंगे, जिसकी वजह से 2x का ऑप्टिकल जूम किया जा सकता है। और X70 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। 50MP का इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर जो होंगे वो 50MP के देखने को मिलेंगे, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होंगे, और इसमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडरी सेंसर 12MP के मिलेंगे, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। थर्ड सेंसर 12MP के मिलेंगे, जो कि एक टेलीफोटो लेंस होंगे, जिसकी वजह से 2x का ऑप्टिकल जूम किया जा सकता है। फोर्थ सेंसर के बारे में बात करें तो वो 8MP के मिलेंगे, जो कि एक पेरिस्कोप लेंस होंगे, जिसकी वजह से 5x का ऑप्टिकल जूम किया जा सकता है। और फ्रंट की तरफ इन दोनों फोन में 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा काफी जबरदस्त मिलेगा, और वीवो X60 सीरीज के कैमरे से इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। HDR, पैनोरमा, बुके इफेक्ट, नाइट मोड, इन सभी चीजों का ऑप्शन इस फोन के कैमरे में मिलेगा। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में आप 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फ्रंट कैमरे से 30fps पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। बैटरी के बारे में बात करें, दोनों फोन में 4400mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। दोनों फोन में 44W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा।
दोनों फोन LPDDR4X रैम UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा। दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर NFC टाइप सी पोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सेंसर के बारे में बात करें तो सभी के सभी सेंसर इन दोनों फोन में देखने को मिलेंगे और लीक्स के अकॉर्डिंग 8GB 128GB 8GB 256GB and 12GB 256GB के तीन वेरियंट में इन दोनों फोन को लॉन्च किया जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये दोनों फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, फन टच OS 11.1 के ऊपर रन करेगा। तो गाइज कुछ ऐसे स्पेक्स के साथ वीवो X70 एंड X70 Pro को लॉन्च करने वाली है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी निकल के नहीं आया, बट मुझे लगता है कि इस फोन की जो प्राइस होगी इंडिया में अराउंड 35,000 to 40,000 के बीच रखी जाएगी। वहीं अगर X70 Pro के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस अराउंड 40,000 to 45,000 के बीच रखी जाएगी। इससे अधिक प्राइस मुझे नहीं लगता वीवो रखने वाली है। अगर फोन में ऐसे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं तो प्राइस डिसेंट होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कैसे स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किया जाता है और सबसे बड़ी बात किस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।